हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड के लिफाफे। देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, ब्रेड के लिफाफे बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड ली है। ये नरम और बड़ी होना चाहिए। इसके लिफाफे बनाने के लिए आप चाहें तो आटे वाली ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कॉर्न लिए हैं और इसमें चीज डालेंगे ये वाली, और हरा धनिया लिया है, चाट मसाला लिया है, और नमक स्वाद अनुसार लूँगी, और काली मिर्ची कुटी हुई है। ये सब मसाला हम तैयार कर लेते हैं। ये उबले हुए कॉर्न हैं जो बाज़ार में मिलते हैं उबले हुए। अब मैं इसको इसका मसाला बना लेती हूँ भरने का। ये कॉर्न में हम चीज़ को घिस लेते हैं। एक से डेढ़ के बीच में लिया है मैंने। इसमें एक एक पूरी स्लाइस डाली है। आप चाहें तो आप आवश्यकता अनुसार आपको जितनी चीज़ चाहिए उतनी डाल सकती हैं। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और चाट मसाला डालूंगी। थोड़ी सी हम काली मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारे भरने का मसाला तैयार है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। देखिए, हम इसके किनारे काट लेंगे ब्रेड के। देखिए, ब्रेड को बेल लें अच्छे से पतला। इसे बेल बेल के रख लेंगे। ताजी ब्रेड लेंगे तो अच्छे अच्छे से बिलाएगी। इसमें दूध पानी का मिश्रण लगा के अच्छे से पतला सा बेल लिया। इस तरह से बेल लें। ये देखिए, इस तरह से बेल लेंगे सारे। हम तेल चढ़ा देते हैं ड्राई डीप फ्राई के लिए। अब हम इस को भर लेते हैं। इसके लिए हमने दूध और पानी का मिश्रण बना के रखा है इसको चिपकाने के लिए। अब हम इसके लिफाफे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें बराबर रख देंगे इतना, इस तरह से। और इसके चारों तरफ हमने जो दूध और पानी का मिश्रण रखा है उसको लगा के और चिपका देंगे। चारों तरफ लगा लें। देखिए, लगा लिया। अब इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे। एक भर लिया हमने, एक और बता दे रहे। अच्छे से भरें और चारों तरफ दूध पानी का मिश्रण अच्छे से लगाएं ताकि अच्छे से चिपके, लिफाफा खुले नहीं। चारों तरफ लगा के तरह से चिपका देंगे। हम इसको डीप फ्राई कर देंगे।
ये फ्राई के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। अब हम एक एक करके तल लेंगे इसको। नॉर्मल तेल गरम करें, ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा कम भी नहीं। अच्छा कुरकुरा तलें गुलाबी होने तक, दोनों तरफ से गुलाबी हो जाना चाहिए। निकाल लेंगे, इसी तरह दूसरा भी तल लेंगे। धीमी आंच में तलें। गुलाबी होने तल लें। ये देखिए ब्रेड के लिफाफे तैयार हैं। ये चाहे टमाटर सॉस से खाएं, इमली सॉस से खाएं, हरी चटनी से खाएं, जिससे भी खाएं। और मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। पीस मेल्ट हो गया है इसमें, देखिए खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं।